नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में, संस्थानों के बारे में। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, फिर हम कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देखेंगे, फिर हम उसके बाद राष्ट्रीय ब्यूरो देखेंगे, फिर हम निदेशालयों की चर्चा करेंगे, फिर हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषदों और प्रयोगशालाओं को देखेंगे, फिर उसके बाद हम पशुपालन संबंधी प्रमुख संस्थान देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर मौसम संबंधित जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, संस्थान हैं, उनको देखेंगे, उसके बाद हम भारत के अति महत्वपूर्ण शोध संगठनों को देखेंगे, और उसके बाद अंत में हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संगठन देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में अक्सर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैप के थ्रू हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ये शिमला के हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये शिमला में है। ठीक है, शिमला के हिमाचल प्रदेश में है हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान। उसके बाद हम देखेंगे कि देहरादून का जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है देहरादून में। ठीक है, इसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है, ये भी देहरादून में है। फिर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी देहरादून में है। फिर हम देखेंगे कि रुड़की में कौन सा है, रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद हम अल्मोड़ा में देखेंगे, अल्मोड़ा में जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है। फिर इसके बाद हम दिल्ली में देखेंगे, तो दिल्ली में है आपका ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी है। ठीक है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है यहाँ पे, उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे, जैसे हम इधर आते पश्चिम बंगाल में हम देखते तो हावड़ा में है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है। उसके बाद कोलकाता में देखते हैं तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है। फिर झारखंड के धनबाद में खनन पर्यावरण से संबंधित संस्थान है। फिर हैदराबाद में आपका वन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, हैदराबाद में कौन सा है, वन अनुसंधान केंद्र। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हैदराबाद के अक्सर पूछे जाते हैं संस्थान। चेन्नई में फिर देखते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चेन्नई के बाद कोयम्बटूर में, तो कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है। फिर केरल के तिरुवनंतपुरम में दो संस्थान हैं जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति संस्थान है, उद्यान अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, उसके बाद हम बंगलुरु में देखते हैं, बंगलुरु में है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्थान पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद पुणे में देखते हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान है। ठीक है, उसके बाद नागपुर में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर कई बार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है। नीरी कहाँ पे है, नीरी नागपुर में है, तो ना से नीरी ना से नागपुर। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान है। ठीक है, इसके बाद हम राजस्थान के जोधपुर में देखते हैं कौन सा संस्थान है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, और भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये संपूर्ण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से संस्थान हैं। अब हम भारत के अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं कुछ, जैसे भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। ठीक है, तो पूछा जा चुका है पूर्व परीक्षाओं में। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्ष 1962 में स्थापित किया था। झांसी में संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण क्या था, यहाँ सभी घासों का पाया जाना था, यहाँ सभी प्रकार की घासें पाई जाती थी, इसीलिए झांसी में जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो था वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को दे दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को इसका प्रशासनिक नियंत्रण दे दिया गया। फिर इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं जो कि हैं अंबिकानगर राजस्थान में, धारवाड़ के कर्नाटक में, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा गया है, ये कहाँ पे, ये लखनऊ में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान याद रखना है कि लखनऊ में। फिर उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नेशनल डेयरी NDRI, ये भी पूछा गया है पूर्व परीक्षाओं में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, तो ये करनाल में है। करनाल कहाँ है, हरियाणा में। ये संस्थान जो है पशु क्लोनिंग की तकनीक के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय सब्जी शाक भाजी अनुसंधान संस्थान IIVR उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ये भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट था, तो ये सब पूछे गया वाले हम दिखा रहे हैं अभी आपको, जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, जो संस्थान उनकी चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये भी पूछा जा चुका है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी स्थापना 1946 में भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य में कटक में की थी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, ये कहाँ पे है, ये आनंद गुजरात में है। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, ये इसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। तो उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। इसके बाद हम देखते हैं पौध संरक्षण एवं संगरोध भंडारण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ठीक है, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF, ये कहाँ पे है, ये गाजियाबाद में है। जैविक खेती केंद्र जो आप से पूछा जाए तो आप बताएंगे ये गाजियाबाद में। फिर 9 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, हालांकि 9 क्षेत्रीय कार्यालय याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी देख लीजिए एक बार, जैसे बंगलुरु है, भुवनेश्वर है, पंचकुला है, गांधीनगर है, गाजियाबाद है, पटना है, इम्फाल है, जबलपुर है, नागपुर है, ये सब इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आगे देखेंगे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान देखेंगे, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो एरिड वाला हॉर्टिकल्चर कहाँ पे, राजस्थान के बीकानेर जिले में है, बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पे। आपको ध्यान रखना है कि बस बीकानेर आपको ध्यान रखना है कि एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, बीकानेर में। यह संस्थान शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र की बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु तकनीक विकसित करने की दिशा में कार्य करता है। फिर इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी इकरी साइड, ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में। गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया और सब सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है, ठीक है। फिर इकरी साइड का मुख्यालय कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, ये मुख्यालय है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद है तेलंगाना राज्य में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, क्रीडा जो है ये भी हैदराबाद में है। तो एकरी साइड आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में है। उसके बाद इसके अलावा केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान क्रीडा भी जो है वो हैदराबाद में है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी NAARM, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म ही पूछ लेता है कि NAARM कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद में। तो अभी तक हमने देखा कि एकरी साइड भी हैदराबाद में था, क्रीडा भी हैदराबाद में है, और कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी भी हैदराबाद में है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कि नियाम है, ये अक्सर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। नियाम कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। तो कीवर्ड पकड़िए आप यहाँ पर, कीवर्ड है मार्केटिंग, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग वाला संस्थान कहाँ पे है, ये जयपुर में है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी, प्रोफेसर SP चटर्जी इसके संस्थापक निदेशक थे। वर्ष 1978 में इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन, यानी कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, NATMO, ठीक है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य मुख्यालय कहाँ पे है, साल्ट लेक कोलकाता में। तो फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 में, ये कहाँ है मुख्यालय, नई दिल्ली में है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आप देख लीजिए एक बार। क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई, जैसे दक्षिण क्षेत्र जो संग्रहालय है वो मैसूर में है, मध्य क्षेत्र का संग्रहालय जो है वो भोपाल में है, और पूर्वी क्षेत्र का संग्रहालय भुवनेश्वर में है, पश्चिमी क्षेत्र का संग्रहालय सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर उसके बाद एक पहले लोक सेवा आयोग में अक्सर ये प्रश्न आता था कि अंटार्कटिका में भारत का कौन सा स्टेशन है, तो प्रथम स्टेशन आपको ध्यान रखना है कि गंगोत्री था, दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। फिर अंटार्कटिका में भारत का द्वितीय स्टेशन कौन सा खुला, ये खुला मैत्री, पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, ये इसकी स्थापना हुई थी 1988-89 में। मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, गैल्सियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान
और शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग संचार मानव फिजियोलॉजी और एवं चिकित्सा क्षेत्र के अनुसंधान हेतु की गई थी। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो भारती है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और तीसरा है भारती। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों हम पहले संस्थानों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अगर आप जैसे वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें सारे संस्थानों को हमने कवर किया है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो आप ये शुरुआती जो संस्थान है इनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूर्व परीक्षाओं पूछे गए हैं, उसके बाद भी जैसे इम्पोर्टेंट हैं लेकिन आप ये है कि उनको मतलब अगर स्किप करना चाहते तो कर भी सकते हैं, वैसे हमने सारे संस्थान इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आगे देखते हैं इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे, ये नागपुर में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की राष्ट्रीय स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक केंद्र हैं और 13 क्षेत्रीय यानी रीजनल कार्यालय हैं। 4 आंचलिक केंद्र जो जोनल ऑफिस हैं वो हैं नागपुर में जो कि सेंट्रल है, उसके बाद उदयपुर में है, फिर बंगलुरु में है, उसके बाद है कोलकाता में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप थोड़ा सा जोनल ऑफिस तो जैसे देख लिया माइंस के हैं, फिर रीजनल ऑफिस की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, रीजनल ऑफिस तो इतने सारे आप कहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं IBM का एक प्रमुख कार्य खनिज मानचित्र तैयार करना है, खनिज नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका पड़ता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान जो हैं वो, जैसे पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, ये न्यू दिल्ली में है। तो अगर आपसे एग्रीकल्चर के रिसर्च का इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आप नई दिल्ली बताएंगे। फिर इसी प्रकार आप डेयरी की अगर रिसर्च का इंस्टीट्यूट कोई बताएंगे तो आप कहाँ बताएंगे, करनाल में बताएंगे, जहाँ पर अक्सर क्लोनिंग संबंधी परीक्षण किए जाते हैं। फिर इंडियन वेटरनरी यानी कि पशु चिकित्सा से संबंधित अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इज्जत नगर में है। फिर इसी तरह आप इज्जत नगर कहाँ, ये बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षा संस्थान अगर आपसे पूछा जाता है कि फिशरीज एजुकेशन कहाँ दिया थी, तो मुंबई में। उसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय द्वीपीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे, ये पोर्ट ब्लेयर में है, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर। तो आइलैंड का जाहिर सी बात है किसी द्वीप पर ही होगा, तो आप को अगर ऑप्शन मिलता है तो आप पोर्ट ब्लेयर उसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है, यानी कि एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में। तो जोधपुर का वैसे भी राजस्थान का काफ़ी इलाका जो है वो थोड़ा सा शुष्क है, इसीलिए शुष्क संस्थान जो है वहाँ पे खोला गया है। फिर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये देखेंगे इज्जत नगर उत्तर प्रदेश, ये जो बरेली में है वही है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर में है। उसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय अंतस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, ये आपके बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर केंद्रीय खारा जल जीवन जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, चेन्नई में है। जाहिर सी बात है खारे जल की अगर हम बात कर रहे हैं ब्रैकिश वाटर की, तो ये कोई तटवर्ती ही इलाका होगा जहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, ये हिसार हरियाणा के में है, ठीक है, तो वहाँ पे अवस्थित है। इसके बाद हम देखते हैं 7वें नंबर पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन गोट्स। तो बकरियों पे रिसर्च कहाँ होती है, ये मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। फिर अगर हमसे पूछा जाए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, तो ये भोपाल में, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है CIAE है, ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये भोपाल में। फिर केंद्रीय शुष्क भूमि शुष्क बागवानी संस्थान आपसे पूछा जाए एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था एरिड एग्रीकल्चर की बात की थी, तो हमने देखा था वो जोधपुर में है। फिर एरिड हॉर्टिकल्चर की बात करें, बागवानी की बात करें, तो ये बीकानेर में है, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी कॉटन की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, ये आपका नागपुर में है, ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम देखते हैं फिशरीज की जो टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, आपके कोचीन में है, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय मीठा जल, ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर हमने देखा था कि आपने देखा होगा ब्रैकिश वाटर वाला अभी इंस्टीट्यूट पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, मुंबई में है,
कॉटन टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये नागपुर में था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो नागपुर में था, ये कॉटन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि मुंबई में। इसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये यानी कि सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर हमने पढ़ा था, ये काम एरिड हॉर्टिकल्चर जो हमने पढ़ा था वो देखा था हमने बीकानेर में है, और जो केंद्रीय उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे, ये श्रीनगर में है, ये टेम्परेट हॉर्टिकल्चर से संबंधित इंस्टीट्यूट है, ये है श्रीनगर में, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि केंद्रीय कटाई उपरांत अभियंत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये लुधियाना में है। समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ, ये कोचीन में है, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है, प्लांटेशन क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कासरगोड केरल में। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, शिमला में है, ठीक है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शिमला में। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, सेंट्रल का जूट और अलाइड फाइबर्स वाला पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको देखेंगे तो केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, हैदराबाद में, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, तो कीवर्ड्स पे फोकस रखिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में। फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कटक में है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे, अविकानगर राजस्थान में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सेंट्रल शीप और वूल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है अविकानगर में। फिर भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान कहाँ, ये देहरादून में है, जो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है, ये कहाँ है, देहरादून में है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की, ये है करनाल में, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहते हैं, सॉइल सैलिनिटी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल में। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हम देखेंगे तो ये राजामुंदरी में है। फिर भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इसके बाद चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान हमने देखा था कि ये झांसी में है। फिर भारतीय कृषि जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, रांची में है, कौन सा, एग्रीकल्चर ऑन बायोटेक्नोलॉजी, ये है रांची में। फिर इसके बाद हम देखेंगे आपका भारतीय अनुसंधान संस्थान, ठीक, बागवानी का जो अनुसंधान संस्थान है, मतलब सिर्फ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात कर रहे हैं। हमने देखा था एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ था, बीकानेर में। फिर हमने देखा सब ट्रॉपिकल एरिड शुष्क उपोष्ण वाला और बागवानी संस्थान कहाँ था, लखनऊ में था। अब हम देख रहे हैं सिर्फ हॉर्टिकल्चर की बात, तो ये कहाँ पे, ये बंगलुरु में। अगर सिर्फ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो बंगलुरु, ठीक है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान ये कहाँ पे, रांची में है, नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स रांची में। फिर देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये कानपुर में है, ठीक है, तो कानपुर जो पल्सेस रिसर्च है ये कानपुर में है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, कानपुर की दाल फेमस है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे, ये भोपाल में है, सॉइल साइंस से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। फिर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कालीकट केरल में। केरल तो वैसे भी मसालों के बाजार में अग्रणी राज्य है, तो फिर यहाँ पे ही रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पाया जाएगा, तो स्पीसीज का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कालीकट केरल में ही। इसके बाद हम देखते हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा ही गया है कई बार परीक्षाओं में, तो गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। फिर उसके बाद सब्जी से संबंधित अनुसंधान भी पूछा जा चुका है, तो ये वाराणसी में है, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी बनारस की। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी है हैदराबाद में। फिर उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्ट्रेस मैनेजमेंट संस्थान जो है, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये है रायपुर में, ठीक है, स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ये कहाँ है, मालेगांव महाराष्ट्र में। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान जो है ये बंगलुरु में है, एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी इसे कहते हैं। फिर राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता में है, जिसे हम नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर राष्ट्रीय पशु रोग जनपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हैबल बंगलुरु में है।
फिर गन्ना प्रजनन संस्थान से संबंधित जो है वो कोयम्बटूर में है, जिसे हम शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा में है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय को पशु अनुसंधान संस्थान जो है ये मेरठ में है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ये कहाँ पे है, भोपाल में। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस का इंस्टीट्यूट जो है वो आपका भोपाल में है। फिर भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये झांसी में है। एग्री फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, झांसी में। फिर इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी नीति संस्थान कहाँ है, अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। फिर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान यानी वीट और बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये करनाल में है। फिर देखेंगे भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान, कदन मतलब मिलेट्स रिसर्च जो है ये हैदराबाद में है। फिर तिलहन से संबंधित अनुसंधान केंद्र देखेंगे, तिलहन ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तिलहन अनुसंधान संस्थान ये है हैदराबाद में, ठीक है, तो ये हैदराबाद में। फिर तेल ताड़ आप बात करें तो ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, ये पेडावेगी पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में अवस्थित है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ, ये भुवनेश्वर में है। वाटर मैनेजमेंट से संबंधित जो संस्थान है, फिर चावल अनुसंधान संस्थान इसकी बात करें तो हैदराबाद में है। फिर केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, नागपुर में है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे, मऊ उत्तर प्रदेश में है, जो सीड रिसर्च से संबंधित है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, झारखंड हजारीबाग में। फिर राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये है नई दिल्ली में। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में। इसके बाद हम कुछ और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देख लेंगे, जैसे जो फलों से और जानवरों से संबंधित हैं, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट भी एक बार देख लेते हैं। जैसे केला अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, तो रिसर्च सेंटर फॉर केला बनाना कहाँ है, त्रिची में। त्रिची कहाँ है, त्रिची जो है तमिलनाडु में है। फिर राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान मतलब सेंटर फॉर ग्रेप्स का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे, ये पुणे में है। फिर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान यानी कि लीची से संबंधित जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। फिर अनार से संबंधित अनुसंधान केंद्र देख लेंगे ये कहाँ पे, ये सोलापुर महाराष्ट्र में है, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोमोग्रेनेट है सोलापुर महाराष्ट्र में। इसके बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान देख लेंगे ये कहाँ पे, ये जो है बीकानेर में है, ठीक है, तो ऊंट से संबंधित अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। इसके बाद हम देखेंगे अश्व यानी घोड़े से संबंधित संस्थान कहाँ पे है, ये संस्थान है आपका हिसार हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान मीट से संबंधित जो संस्थान है ये हैदराबाद में है। फिर मिथुन यानी कि आपका जो मिथुन अनुसंधान केंद्र है ये मेजीफेमा नागालैंड में है, ठीक है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन मिथुन मेजीफेमा नागालैंड में। फिर राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र पेकियांग सिक्किम में है। फिर राष्ट्रीय शुगर जो पिक से संबंधित अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है, गुवाहाटी में, ठीक है, तो ये गुवाहाटी में अवस्थित है। इसके बाद हम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र देखेंगे ये अजमेर में है। ये सीड स्पीसीज है, अगर सिर्फ मसाला का पूछा जाएगा तो वो केरल में है, लेकिन अगर सीड स्पीसीज का पूछा जाएगा बीजी मसाला तो अजमेर में। फिर राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो है ये वेस्ट कामेंग में है अरुणाचल प्रदेश। याक तो वैसे भी ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं और लगभग सांड जैसा जानवर होता है, तो वो जो है वैसे भी ठंडे प्रदेश में पाई जाएगी, वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है नई दिल्ली में है, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संबंधित न्यू दिल्ली में। इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मोतिहारी बिहार में। अब हम कुछ राष्ट्रीय ब्यूरो देख लेंगे, ठीक है, तो राष्ट्रीय ब्यूरो देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो है ये नई दिल्ली में है। प्लांट जेनेटिक्स से संबंधित जहाँ पे चीज़ें होती हैं तो वो रिसोर्सेज जो है वो न्यू दिल्ली में है। फिर राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो जो है ये मऊ उत्तर प्रदेश में है। फिर राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो जो है बंगलौरू में है। फिर राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ है, ये नागपुर में। तो सॉइल सर्वे और लैंड यूज की जो प्लानिंग वाला ब्यूरो है ये नागपुर में है।
इसके बाद हम देखेंगे पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ पे है, करनाल में है, जो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जहाँ पे जो है क्लोनिंग वोनिंग का होता है सब, तो करनाल में। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो है ये कहाँ पे, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है लखनऊ में है, ठीक है, तो ये आलमबाग लखनऊ क्षेत्र में है। फिर उसके बाद कुछ निदेशालय देख लेते हैं, लगभग सभी महत्वपूर्ण निदेशालय इसमें दिए हुए हैं। और इसमें जैसे सबसे पहले दिया मूंगफली के अनुसंधान से संबंधित जो निदेशालय है वो है जूनागढ़ में, फिर सोयाबीन से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो है इंदौर में है, फिर सरसों के अनुसंधान से संबंधित जो निदेशालय है वो भरतपुर में है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण इसमें देखते हैं, जैसे खुम्भ से यानी खुम्भ यानी मशरूम से संबंधित जो अनुसंधान निदेशालय है वो है सोलन में। इसी प्रकार प्याज और लहसुन से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है आपका, ये है आपके पुणे में, ठीक है, तो इस ये जो है पुणे में है। ठीक है, तो प्याज और लहसुन से संबंधित अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, पुणे में। फिर काजू से संबंधित जो अनुसंधान निदेशालय है ये पुत्तूर में है। फिर औषधि एवं सुगंधी पादप अनुसंधान निदेशालय कहाँ, ये आनंद में है। इसके बाद हम देखते हैं पुष्प विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, ये आपका है पुणे में, ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर रिसर्च जो डायरेक्टरेट है वो पुणे महाराष्ट्र में है। फिर खरपतवार से संबंधित जो अनुसंधान निदेशालय है जबलपुर में है। फिर खुरपका मुहपका रोग प्रायोजना निदेशालय जो है ये मुक्तेश्वर में है, खुरपका मुहपका पशुओं में होने वाली एक बीमारी है। फिर कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय जो है ये हैदराबाद में है, कुक्कुट मतलब पॉल्ट्री रिसर्च से संबंधित जो अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। फिर देखेंगे कृषि ज्ञान एवं प्रबंध निदेशालय DKMA ये है नई दिल्ली में। उसके बाद हम देखेंगे शीत जल यानी कि कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च जो डायरेक्टरेट है ये है भीमताल नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाएं, ये भी अक्सर प्रश्न इनसे भी आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले है प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल में, ठीक है, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में। फिर इस तरह केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, बिल्डिंग रिसर्च से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है रुड़की में है। केंद्र कौशिकी एवं आणविक जीवन विज्ञान केंद्र जो है ये हैदराबाद में है। फिर उसका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDRI, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये तमिलनाडु के कैरीकुडी जिले में है, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, पिलिनानी राजस्थान में। फिर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ये मैसूर में है, जिसे हम फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे, ये कोलकाता में है। ग्लास सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता में। फिर केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान जो है लखनऊ में है। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट जो है ये आपका लखनऊ में है। इसके बाद धनबाद में जो है वो केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान है। तो आपने देखा होगा धनबाद के इलाके झारखंड में वैसे भी खान और खदान से संबंधित जो है वो खाने ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे ही जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है। फिर आप देखेंगे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये चेन्नई में है, जो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं चेन्नई में। केंद्रीय यांत्रिक अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, नई दिल्ली में है, जो कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संबंधी संगठन जो है ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो इसको कहते क्या है इंग्लिश में, इसको कहते हैं सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये कहाँ है, चंडीगढ़ में है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा पैराडाइम संस्थान कहाँ है, ये बंगलुरु में है। फिर केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, भावनगर गुजरात में। उसके बाद देखेंगे जीनोमिकी एवं संवेद जीव विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, पालमपुर में, ठीक है, हिमालयन बायोसोर्स जो है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय
रसायन भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ, ये कोलकाता में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। केमिकल टेक्नोलॉजी संबंधित कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है, तो इंडियन पेट्रोलियम संस्थान जो है ये कहाँ पे है, आपका देहरादून में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी गया है एक बार परीक्षा में, तो इसको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के बाद हम देखते हैं भारतीय संवेद औषध संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, जम्मू में है। फिर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में है। इसके बाद देखते हैं सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है, चंडीगढ़ में, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी ये चंडीगढ़ में है। खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में है, मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। फिर वात अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बंगलुरु में है, एरोस्पेस यानी लेबोरेटरी कहाँ है, बंगलुरु में। फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में, ठीक है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, ये है पुणे में, जिसे केमिकल लेबोरेटरी पुणे भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान, ठीक है, तो इसको हमने मैप में भी देखा था, नीरी ये पूछा गया है कई बार, नीरी नागपुर में है, तो इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हैदराबाद में है, जिसे हम कहते हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद हम राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान देखते हैं, ये कहाँ पे है, गोवा में। ओशनोग्राफी, ठीक है, तो इसका कीवर्ड ध्यान रखिए, ओशनोग्राफी जो है ये गोवा में। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान ये नई दिल्ली में है, ठीक है, तो साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसर्च रिसोर्स जो है ये आपका न्यू दिल्ली में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान यह है नई दिल्ली में। फिर राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशालाएं कहाँ हैं, ये जमशेदपुर में है, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी जिसे हम जमशेदपुर में जानते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाएं कहाँ हैं, फिजिकल लेबोरेटरीज ये हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, जोरहाट में है। फिर संरचनात्मक अभियंत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये है चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद हम अति महत्वपूर्ण जैसे पशुपालन से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो पशुपालन के लिए इसीलिए हमने लिस्ट अलग बना दी है, तो जिससे आसानी हो आपको ध्यान रखने में। तो जैसे सबसे पहले पूछा भी जा चुका है, ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। फिर भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये झांसी में है। फिर राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान कहाँ है, ये पुणे में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान ये मीट से संबंधित जो है ये हैदराबाद में है। फिर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, हिसार हरियाणा में। फिर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ये अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में। फिर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये अंबिकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। भैंस का अनुसंधान संस्थान है हिसार के हरियाणा के हिसार में, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मौसम संबंधी प्रमुख अनुसंधान संस्थान अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रश्न इनसे भी, तो हम देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, ये पुणे में है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ होता है, ये कोलकाता में होता है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये हैदराबाद में है, ठीक है। इसी प्रकार आपदा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में है। फिर भारतीय राष्ट्रीय महासागर से संबंधित जो संस्थान है ये कहाँ पे है, राष्ट्रीय महासागर से संबंधित सूचना सेवा केंद्र जो है ये हैदराबाद में है। फिर राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र जो है ये नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये पुणे में। फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये जोधपुर में, ठीक है। इसी प्रकार हम भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान देख लेते हैं, क्योंकि ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो एटलीस्ट आपको अगर ऊपर वाला ध्यान नहीं रहता तो ये लिस्ट में तो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले दिए हुए हैं संस्थान, तो इसको तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये किसी भी परीक्षा में आपके काम आएगा, हर परीक्षाओं में इस तरह के इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं। तो पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर ये केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो ये सेंट्रल वाले हैं, राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कहाँ है, कानपुर में। दाल का भी हमें पता है, दाल का भी संस्थान कहाँ है, ये कानपुर में। और चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, कानपुर में। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये करनाल में है। फिर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में है। तो लेदर से संबंधित अनुसंधान जो होता है वो चेन्नई में होता है। फिर आप देखेंगे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है लखनऊ में। फिर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। रमण अनुसंधान संस्थान ये बंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशालाएं कहाँ हैं, जमशेदपुर में। केंद्रीय कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये है अहमदाबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये है नई दिल्ली में। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो ये कहाँ है, ट्रांबे में है। फिर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये देहरादून में है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस देखेंगे तो ये पुणे में है। फिर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे, ये भी है मैसूर में, ठीक है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ, ये रुड़की में है। केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान संस्थान जो है कोलकाता में है। हालांकि इसमें से बहुत से इंस्टीट्यूट के अभी हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर चर्चा करने का मतलब, दोबारा पढ़ने का मतलब ये है कि आप दो तीन बार अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, रच जाएगी। अब जैसे भवन निर्माण जो बिल्डिंग रिसर्च बिल्डिंग से संबंधित जो होता है, रुड़की में हमने पहले देखा था। सिरेमिक वाला भी हमने जैसे बताया था ऊपर, तो एक कोलकाता में है। फिर केंद्रीय विद्युत रासायनिक, ठीक है, ये कहाँ, कराईकुड़ी में है। फिर केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग वाला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, दुर्गापुर, ठीक है, तो इस ये यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये दुर्गापुर में। फिर केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ, कासरगोड में है। आलू से संबंधित अनुसंधान संस्थान हमने मैप में भी देखा था, हम दोबारा देख रहे हैं, शिमला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दृष्टि विकलांग, ठीक है, तो ये है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, ये देहरादून में है। फिर पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, ये देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है रांची में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, जलगोड़ा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, ये पुणे में है। तो सर्वेक्षण विभाग भी आपको ध्यान रखना है, खनन वाला हम बात कर ही चुके थे। मौसम वेधशाला कहाँ पे है, ये पुणे में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, चंडीगढ़ में है। फिर प्लाज्मा अनुसंधान, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, गांधीनगर में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान ये कहाँ है, ये मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान जो है ये बंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान ये पणजी में है। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में ही है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, ये है लखनऊ में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान जो है ये आपका कोलकाता में है। फिर जो है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशालाएं कहाँ हैं, ये गुलमर्ग में है। फिर केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये टॉक्सिकोलॉजी जो है आपका ये लखनऊ में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, ये हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, ठीक है।
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है ये कोलकाता में है। फिर इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोलकाता में। तो इसलिए भी है क्योंकि जूट से संबंधित जो प्रमुख बाजार है वो पश्चिम बंगाल में उसका अग्रणी राज्य है, इसलिए जूट प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो आपका कोलकाता में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो है ये हैदराबाद में है, तो आपको ध्यान रखना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से संबंधित जो संस्थान है वो हैदराबाद में। इसके हम मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान केंद्र जो है वो गुड़गांव में है। फिर भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो जलाहली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। दलहन वाला कानपुर में है। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, खड़क वासला में। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शोध संस्थान देख लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के संस्थानों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो या अन्य किसी यूपी से संबंधित परीक्षाएं हों, उन सब में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इसमें मोस्टली हम देख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देखने से हमें ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ये है आपका लखनऊ में। फिर उसके बाद हम देखते हैं चीनी अनुसंधान संस्थान, ये है कानपुर में। दलहन का भी हमने देखा था कानपुर में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ये लखनऊ में है। फिर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है ये लखनऊ में है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये एटलीस्ट लखनऊ के तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर परीक्षाओं पूछ लिए जाते हैं। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यानी वेटनरी से संबंधित अनुसंधान जो है ये कहाँ पे है, इज्जतनगर में है। इज्जतनगर कहाँ है, बरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, वाराणसी में। तो हैंडलूम का आपको ध्यान रखना है, हैंडलूम वाला वाराणसी में है। और वाराणसी में एक और भी था वेजिटेबल से संबंधित भी जो इंस्टीट्यूट था वो भी वाराणसी में था। इसके बाद हम देखते हैं कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है, झांसी में है, ठीक है। फिर गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे, लखनऊ में है। फिर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है आपका इज्जतनगर बरेली में। इसके बाद हम देखते हैं दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, ये कानपुर में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी कहाँ पे है, ये बनारस में है। फिर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये प्रयागराज में है। फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसे हम पहले जिसका नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, इसको जो है लखनऊ में अवस्थित है। फिर सी मैप का जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स, जिसे हम सी मैप भी कहते हैं, ये कहाँ पे है, लखनऊ में। फिर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। फिर अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका हापुड़ में, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ये है लखनऊ में, सांस्कृतिक संपदा से संबंधित। फिर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG गोट से संबंधित कहाँ पे, मथुरा में है। फिर केंद्रीय कोशिकी एवं निवारण अबुद्ध शास्त्र संस्थान, ये कहाँ पे है, नोएडा में है, ठीक है। इसके बाद कुछ और बचे हैं जिनको देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है ये प्रयागराज में है। फिर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, IICT भदोही में। तो कालीन के लिए वैसे भी भदोही जो है वो भदोही जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ पे है, ये नोएडा में है। तो लघु विकास से संबंधित जो संस्थान है ये नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। फिर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी नोएडा में है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख अनुसंधान संगठन थे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो मिलते हैं अब इसके बाद किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।